अवार्ड के लिए के क्या कहूँगा, मुझे अल्लाह के बंदे एनजीओ मैंने जो काम किया उसके लिए मुझे नवाजा गया, मुझे अच्छा लगता है। उसी तरह जो लोग अच्छे काम करते हैं उसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाए तो अच्छा लगता है। और टीफा एक बहुत ही अच्छा अवार्ड है जो 6 साल से हो रहा है और मुझे भी 6 साल से अवार्ड मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और ये अवार्ड खरीदना नहीं पड़ता है, ये तुम्हें मेहनत से मिल जाता है। आज दो खुशी के मौके हैं, बीजेपी सरकार जीत चुकी है गुजरात में, हिमाचल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, आप एंटी रहे हैं और आज कांग्रेस के सांसद भी आए हुए थे अवार्ड फंक्शन में। नहीं, हम राहुल गांधी से यही कहेंगे कि आपको स्पीकर हमें लेना चाहिए, जब हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रति तो फिर आप इंशाल्लाह नहीं हारोगे। कांग्रेस में स्पीकर्स कम है, स्पीकर बोलने वाले लोग कम है जो सही टॉपिक पे बात कर सके। राहुल जी को बात करना आता है लेकिन उस लेवल पे इंटेंसिटी पे बात नहीं करते। गुजरात में उन्हें मुझे मने लेने जाता तो गुजराती में गुजरात ना लोगों ने कहीं कहतो तो ये लोगों ने हमझड़ पड़ती। तमे जाए ने हिंदी में बात करो ने मोदी जी गुजराती में भाषण आप ये जीतवानो छे ने भाई। लेकिन ईवीएम पे लगाया है इल्जाम अभी निरुपम जी ने। भाई देखो, ईवीएम एक बहुत ही बड़ा घोटाला है और इस घोटाले में हम बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। और उसकी कंपनी का अमेरिका में केस हुआ, उन लोग ने कोर्ट में ये बोला है कि ईवीएम हैक हो सकता है, जब कंपनी बनाने वाली खुद कह रही है कि हैक हो सकता है। और आजकल आदमी हैक हो जा रहे हैं भाई, आपको हैक करना है मैं कर सकता हूँ, तो ईवीएम मशीन कौन सा वो है? और सरकार उनकी पैसा उनका बैंक उनकी सब कुछ उनका है यार। तो तीन तलाक का नया बिल आया, उसके कारण क्या कहेंगे आप, मोदी जी बात होगा या नहीं होगा? नहीं, ये मोदी जी को ये सर तीन तलाक और ये गाय और बकरे इसमें से बाहर आ जाओ, देश के विकास की बात करो सर, रोजी रोजगार की बात करो, लोगों को काम मिले, स्टूडेंट को अच्छी जॉब मिले तो लोगों का अच्छा भला होगा, नारियों को सम्मान मिले तो हमारे देश का कुछ हो सकता है, वरना हम 100 साल पीछे तो हो ही गए। कल से हार्दिक पटेल फिर आंदोलन पे जा रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने ऐलान किया अभी आज इंटरव्यू में, ईवीएम को लेकर। नहीं, अच्छा है हार्दिक कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर वो पटेल समाज उसका साथ दे रहा है बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा कि आंदोलन करते रहो जब तक देश का भला ना हो, हार्दिक आंदोलन करते रहो, कभी हम फ्री हुए तो हमें भी बुला लेना, हम भी आपके साथ आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू यार।